नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भिंड जिले के अमायन थाना क्षेत्र के गहेली गांव में 4 मार्च की रात रॉकी गुर्जर नामक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद रेत उत्खनन कंपनी के कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने युवक की हत्या मामले में कंपनी के मालिकों को भी आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर महगांव में रैली निकालकर एसडीओपी कार्यालय का घेराव किया और पावर में कंपनी के मालिकों को मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। दरअसल भिंड जिले में 4 मार्च को अवैध रूप से रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर हुए विवाद में रेत उत्खनन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रॉकी गुर्जर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कंपनी के एक स्थायी कर्मचारी के साथ ही अस्थायी बंदूकधारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन अब मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों के साथ ही युवक की हत्या के मामले में कंपनी के मालिकों को भी धारा 120B के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। इस दौरान राकेश चौधरी द्वारा जनसभा को भी संबोधित किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उनकी शह पर ही कंपनी द्वारा खनिज संपदा को लूटने का काम किया जा रहा है। राकेश चौधरी ने कहा कि यदि कंपनी के मालिकों को रॉकी की हत्या का आरोपी नहीं बनाया जाता है तो वो भिंड पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर करेंगे। उसमें हमारी बिरादरी के नेताओं को, चाहे वो पार्टी का सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, उन सबको श्रीवास्तव जी पैसे आते थे बैरियर से। तो मैं कई बार फेंक देता हूँ ऐसी चीजें जिसमें आप सभी लोगों के नाम है तो हटाओ। तो 25 किलोमीटर दूर तुम्हारे पास तो पुलिस थी, तुम पुलिस को बुला के उसका ट्रैक्टर बंद करा देते, ओवरलोड था तो जुर्माना करा देते, और बिना रॉयल्टी के था तो कानून बन गया है कि आप उसका ट्रैक्टर बंद करा के कलेक्टर को भेज देते और वो राज साथ कर देता उसका 7 लाख का ट्रैक्टर। लेकिन आपने वो मौका नहीं दिया। हाँ, क्या आंदोलन आज किया है, क्या किस लिए, क्या ज्ञापन दिया है आज? रॉकी गुर्जर मर्डर केस में जिसमें कंपनी के मालिकों को पुलिस ने छोड़ दिया है, जिनके मैंने नाम और मोबाइल नंबर्स दिए हैं उनके मैनेजर के मालिकों के, और मैंने ये कहा है आज प्रदर्शन करके यहाँ महगांव में एसडीओपी को ज्ञापन दिया है कि जितना दोषी जिसने बंदूक गोली चला के मारी है वो है 302 का, उतने ही वो लोग हैं जो उसके आसपास खड़े थे और कंपनी का जो मैनेजर वहाँ था मद्रासी, वो 302-34 के दोषी हैं। जो मैंने मोबाइल नंबर्स दिए हैं, नाम दिए हैं, उन नंबरों की स्क्रूटनी की जाए, उस पर अनुसंधान किया जाए। अगर उन मालिकों से उन कंपनी के मैनेजर ने उस दिन और अगले दिन बातचीत की है तो इस विषय को कॉन्स्परेसी में लेते हुए 302 की 120B के मुलजिम जो है मालिकों को डायरेक्टर्स को बनाना चाहिए, उसके बाद अनुसंधान की जाए। और कंपनी यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती, फिर आगे क्या प्लान है? हमने ये तय किया है जनसंघर्ष मंच भिंड ने, सब लोगों ने मिल के, कि मैं 15 दिन का इनको मौका दूंगा, 15 दिन में ये तहकीकात कर लें, नहीं तो अगले आंदोलन का द्वितीय पड़ाव में हम लोग भिंड कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ अपनी बात कहेंगे। और द्वितीय आंदोलन होने के बाद भी अगर नहीं माने तो तृतीय आंदोलन की हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। मंत्री बोलते हुए आपने एक बात कही थी कि शिवराज सिंह चौहान इस कंपनी को लेकर आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस सरकार में ये कंपनी आई थी और जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी। नहीं, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेघराज एंड कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्टनरशिप थी जो राजस्थान की थी, वो भी उन्हीं के समय आई थी, और ये कंपनी भी किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो उनके परिवार के लोग हैं। और मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूँ,
अगर शिवराज सिंह जी इस पर कभी चर्चा करें तो ये जो कंपनी है जो अभी सॉफ्ट कंपनी के रूप में काम कर रही है, उसकी एक पहले कंपनी थी बिजली की कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड हुई है नैलको, और नैलको की ही डायरेक्टर्स ने दूसरी कंपनी बनाकर ये वाला सब लीज पे ठेका लिया हुआ है जो पावर मेक कंपनी से। तो मैं सबके बारे में जानता हूँ, शिवराज सिंह जी ने इनका पीरियड 2 साल से बढ़ा के 3 साल क्यों कर दिया, उन्होंने 10 करोड़ रुपए बढ़ा के इन्हीं को क्यों दिया, और शिवराज सिंह ने अनैतिक रूप से गैर कानूनी तरीके से इन जिलों के कलेक्टर्स को फोन क्यों किया कि कंपनी की पुलिस और प्रशासन मदद करे, और मदद इसलिए करे कि प्रशासन से मिलकर कंपनी के मालिक हमारे नौजवान बच्चों की हत्याएं कराएं।